आज का हमारा विषय है हृदय रेखा। हृदय रेखा को आयु रेखा भी कहा जाता है। इसका प्राचीन ग्रंथों में बहुत महत्व माना गया है। जीवन रेखा के बाद सबसे अधिक महत्व यदि प्राचीन ग्रंथों ने किसी रेखा को दिया है तो वो आयु रेखा को दिया। आपको अधिकतर हाथों में हृदय रेखा या आयु रेखा अवश्य दिखाई देगी। अब सबसे पहले हम इसी तथ्य पर बात कर लेते हैं कि इसे आयु रेखा क्यों कहा गया, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में इसका सीधा संबंध आयु से देखा गया है। इसे हृदय रेखा, स्वभाव रेखा भी कहा जाता है। अब अगर आप ध्यान दें तो वराह मिहिर हमारे बहुत प्रसिद्ध एक ज्योतिषी हुए हैं प्राचीन समय के। उनके अनुसार यदि किसी व्यक्ति की आयु रेखा यानी कि हृदय रेखा, प्राचीन ग्रंथों में इसका प्रारंभ जो है वो हथेली के सिरे पर बुद्ध पर्वत के नीचे से माना गया है। हालांकि आधुनिक ग्रंथों में इसका आरंभ कहीं से भी हो सकता है और अंत को बुद्ध रेखा पर दर्शाया जाता है, लेकिन इससे फल कथन में अधिक फर्क नहीं होगा। अब वो कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की आयु रेखा सिर्फ बृहद तर्जनी हमारी कनिष्ठा के मूल तक गई हो, बस यहाँ तक हो, तो ऐसे व्यक्ति अल्पायु होता है, उनकी आयु कम होती है। आपको ये फल कथन करते हुए हाथ के बाकी लक्षणों को ध्यान दे लेना है। यदि किसी व्यक्ति की जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा तीनों ही छोटी हों तो ऐसा व्यक्ति अल्पायु हो सकता है। अब यदि किसी व्यक्ति की हृदय रेखा मध्यमा और अनामिका और मध्यमा के बीच तक पहुंची हो तो ऐसा व्यक्ति की आयु 50 वर्ष, और यदि किसी व्यक्ति की हृदय रेखा मध्यमा और तर्जनी के मध्य भाग तक पहुंच जाए, संधि तक पहुंच जाए, तो उसकी आयु 75 वर्ष, और अगर ये बिल्कुल हथेली को पार करते हुए बिल्कुल अगले सिरे तक पहुंच जाए तो 100 वर्ष की पूर्ण आयु हृदय रेखा के लंबे होने पर प्राचीन ग्रंथों में बताई गई। और इसका अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि इसे 25-25 का खंड उन्होंने दर्शाया है। व्यवहार में भी ये देखा गया है कि लंबी रेखाएं सामान्यतः, कोई विशेष दोष हाथ में न हो तो लंबी रेखाएं सामान्यतः अच्छी आयु का कारक मानी जाती हैं। तो आप इसे सरलता से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि 25-25 का खंड बना सकते हैं आप इसको। अब क्या लंबी रेखा निश्चित रूप से लंबी आयु का प्रतीक होगी? मैंने आपको बहुत बार बताया है कि केवल एक रेखा से हम आयु निर्णय नहीं कर सकते। अब ये आगे अगर ये आयु रेखा बहुत लंबी है और ये बीच में से टूट गई है और यहां क्रॉस के साथ खत्म हो गई है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि इस व्यक्ति की हृदयाघात से मृत्यु हो जाए, हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाए, तो ये आगे की आयु बेकार हो गई ना। तो रेखा का फल तब होगा जब रेखा के पिछले का हिस्सा बहुत शुभ हो, तभी तो आगे का फल होगा। तो यहां हम तो ये हमने बात की आयु के संदर्भ में। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति की हृदय रेखा यहां तक दिखाई दे कि वो मध्यमा
और तर्जनी, मध्यमा और तर्जनी के बीच तक पहुंचती है लगभग। इसका फल जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हृदय रेखा का प्रभाव क्या है। हृदय रेखा हृदय से संबंधित है, प्रेम भावना, और जो लोग दिल से काम लेते हैं या दिमाग से काम लेते हैं ये समझने के लिए, तो किसी व्यक्ति का स्वभाव समझने के लिए भी हृदय रेखा बड़ी महत्वपूर्ण है। हृदय के रोग ये भी इस रेखा से जाने जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है स्वभाव। आपका स्वभाव आपका भविष्य और भाग्य निर्धारित करता है, तो इसलिए हृदय रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर हाथों में आपको हृदय रेखा दिखाई देगी। हृदय रेखा कुछ कंफ्यूजन पैदा कर सकती है, कुछ हाथों में आपको इस तरह की रेखा दिखाई दे सकती है और कोई मस्तिष्क रेखा दिखाई न दे। तो मेरे अनुभव के अनुसार इसे आपको हृदय रेखा ही मानना चाहिए। बहुत से हाथों में हमने काफी समय बाद बुद्ध रेखा यानी कि मस्तिष्क रेखा पैदा होती हुई देखी है, लेकिन यदि किसी हाथ में मस्तिष्क रेखा नहीं है, ऐसा हो सकता है, आपको बहुत से हाथ ऐसे दिख जाएंगे जिनमें मस्तिष्क रेखा बहुत छोटी, बस इतनी सी हो या बिल्कुल भी ना हो, लेकिन आपको अधिकतर हाथों में हृदय रेखा जरूर दिखाई देगी। उसके स्थान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हृदय रेखा आपको दिखाई देगी। ऐसे बहुत ही असंभव स्थिति होगी कि आपको किसी हाथ में हृदय रेखा ना मिले। मैंने अभी तक अपने अनुभव में ऐसा कोई हाथ नहीं देखा है जिसमें हृदय रेखा ना हो। तो हृदय रेखा कैसी होनी चाहिए, हृदय रेखा कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले तो उसकी बनावट। अच्छी हृदय रेखा जो न तो बहुत मोटी हो न बहुत पतली हो, ये गहरी और स्पष्ट होनी चाहिए। इसकी रंगत थोड़ी गुलाबी होनी चाहिए। अब यदि हाथ में ऐसी हृदय रेखा दिखाई दे जिसमें बहुत सारी शाखाएं ना हो, स्पष्ट साफ सुथरी हो, ऐसे हृदय रेखा वाला व्यक्ति स्वभाव से जिंदा दिल होता है, प्रसन्नचित रहता है, दयालु होता है, ईमानदार होता है और आदर्श स्वभाव का होता है। वह जिससे भी प्रेम करता है उसके प्रति बेहद ईमानदार रहता है। यदि हृदय रेखा यह उत्साही व्यक्ति का संकेत है, स्पष्ट गुलाबी गहरी शाखा बहुत शाखाओं वाली नहीं है, दोष रहित रेखा, एक उत्साही व्यक्ति का प्रतीक है, तो हर व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हर काम में उत्साह दिखाता है, प्रेम में भी उत्साह दिखाएगा। लेकिन यदि हृदय रेखा ऐसी ना हो, केवल सफेद रंग की हो, यदि सफेद रंग की हृदय रेखा आपको दिखाई दे, सफेद रंग की हृदय रेखा अशुभ फल वाली है। क्या अशुभता होगी? यदि हृदय रेखा सफेद रंग की हो जाएगी तो ऐसा व्यक्ति निरुत्साही होगा, सुस्त रहेगा, और निरुत्साही व्यक्ति निश्चित रूप से अच्छी सफलता तो प्राप्त नहीं कर पाता है। यदि किसी आदमी का हाथ या हृदय रेखा पीले रंग की दिखाई दे तो यह रोगी व्यक्ति होता है। और इसीलिए अगर आप उत्साही कम है, आपको थकान जल्दी महसूस होती है, आपको लगता है कि आप बहुत जिंदा दिल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपने आपके शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ाइए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी हृदय रेखा गुलाबी रंग की होने लगेगी और आप उत्साह बढ़ जाएगा, आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो कहा जाता है कि एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, तो सबसे पहले आप शरीर को स्वस्थ कीजिए, तब की हृदय रेखा अपने आप स्वस्थ होने लगेगी।
खैर हम बात करते हैं, अभी आपको हाथ में दिखाई दे, जब आप हाथ परीक्षण कर रहे हैं तो जब आपको दिखाई दे तब कैसी देखनी चाहिए? अगर हृदय रेखा स्पष्ट है, एकदम स्वच्छ रेखा है, तो उत्साही व्यक्ति है, अच्छा आदर्शवादी है, प्रेम करने वाला है। यदि आपको हृदय रेखा श्रृंखलाकार दिखाई दे, इस तरह की श्रृंखलाकार हृदय रेखा दिखाई दे, ये रेखा अच्छे फल वाली नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लोगों से संबंध स्थायी नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों को या तो दूसरे लोग बहुत धोखा देते रहते हैं या ये स्वयं ही संबंधों में ईमानदार नहीं होता। ये हाथ की बनावट पर निर्भर करेगा, यदि अशुभ प्रकार के हाथ में ये रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति ईमानदार नहीं होता है, किसी के प्रति भी संबंधों में ईमानदार नहीं होता है। लेकिन यदि हथेली बहुत बढ़िया हो, बहुत शुभ हाथ में इस तरह की श्रृंखला रेखा दिखाई दे, तो ऐसे लोगों को दूसरों से धोखा बहुत मिलता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस व्यक्ति में उतावलापन अधिक होता है, जिस कारण अपने संबंधों को खराब कर सकता है। तो खैर, ये है श्रृंखलाकार होने का मामला। यदि हृदय रेखा बहुत टूटी हुई हृदय रेखा, इस तरह की हृदय रेखा दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बार बार दुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति के संबंध बनते और बिगड़ते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव स्थिर नहीं होता है। और यदि इसको आड़ी रेखाएं भी बीच बीच में काटती रहें, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत दुखपूर्ण रहता है, बहुत दुखी रहता है और निराशा बहुत मिलती है ऐसे व्यक्ति को जीवन से। यदि आपको हृदय रेखा लहरदार दिखाई दे, ये व्यक्ति बहुत भरोसे के योग्य नहीं होते, इनके संबंध स्थिर नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत संबंधों वाले देखे गए हैं और बहुत अधिक मित्र होंगे, लेकिन किसी के लिए भी ये बहुत ईमानदार नहीं होंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, किसी भी रेखा का गुण और दोष हाथ के प्रकार पर निर्भर करेगा। यदि हाथ का प्रकार बहुत अच्छा है और उसमें इस तरह की रेखा दिखाई दे, तो ये गुण व्यक्ति के गुण कम और उसके आसपास के लोगों से अवगुण उसको समस्याएं ज़्यादा दिखाई देंगी। लेकिन यदि एक बुरे हाथ में ये गुण दिखाई दें, ये ऐसी रेखा दिखाई दे, खराब बनावट वाले हाथ में ऐसी रेखा दिखाई दे, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं बहुत बुरा होगा। जैसे कि यदि आपकी यदि किसी व्यक्ति कनिष्ठा उंगली टेढ़ी है और बृहस्पति जो बुध पर्वत है ये दोषपूर्ण है, शुक्र बहुत उठा हुआ है, चंद्रमा दूषित है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी के प्रति ईमानदार संबंध नहीं रखता है। ऐसे व्यक्ति की हृदय रेखा यदि लहरदार होगी तो ये भरोसे के लायक नहीं है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा धोखा देते हैं दूसरे लोगों को, तो ये एक संबंध अलग हो गया। लेकिन यदि ये बहुत सुंदर हाथ हो और उसमें इस तरह की हृदय रेखा दिखाई दे, तो ऐसा व्यक्ति अस्थिर चित्त वाला तो है, निर्णय लेने में तो समस्या होती है, लेकिन वो धोखा देने की प्रवृत्ति उसमें नहीं पाई जाएगी। फिर अब यदि हृदय रेखा कहां तक पहुंचे तो कैसी होगी, कहां से प्रारंभ होती है तो कैसी होगी, ये हम आधुनिक मतानुसार देख लेते हैं। अब वर्तमान में विद्वानों का मानना है कि यदि हृदय रेखा तर्जनी और मध्यमा के बीच से प्रारंभ होकर हथेली के सिरे तक आए, तो ऐसा व्यक्ति आदर्शवादी होता है। मैं अब आपको प्रेम के संबंध में ही बस बात बता रहा हूं, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम के प्रति ईमानदार होता है, आदर्शवादी होता है, जिससे प्रेम करता है उसके प्रति ईमानदारी से संबंध बनाए रखता है, यह बहुत शुभ लक्षण। यदि यहां एक शाखा निकलकर द्विशाखित हो जाए, यदि एक शाखा बृहस्पति पर, एक शाखा तो बृहस्पति पर जाती हो और दूसरी शाखा बीच में रह जाए, तो ऐसे व्यक्ति में बहुत सहनशील होता है, अपने संबंधों को सदैव बचाता है, जिससे प्रेम करता है उसके प्रति 100% ईमानदारी बरतता है। यह संबंध चाहे विपरीत लिंग के प्रति हो, पत्नी या प्रेमिका के प्रति हो,
या फिर अपने जीवन में सामान्य लोगों से माता पिता भाई बहन आदि से संबंध हो, वह उसके प्रति बहुत ईमानदार रहता है, आदर्शवादी होता है और उत्साही होता है। ऐसा व्यक्ति निराशा आसानी से अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। यदि ये रेखा यहां ना होकर बृहस्पति पर्वत के मध्य तक चली जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रेम में अंधा हो जाता है। जिससे प्रेम करता है उससे इतना प्रेम करता है कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकता है। ऐसा व्यक्ति यदि भक्त हो, क्योंकि बुद्ध पर बृहस्पति पर्वत अच्छा होने पर ऐसे व्यक्ति अधिकतर भक्तिमय लोग होते हैं, भक्ति करने वाले लोग होते हैं। तो यदि यह प्रेम ईश्वर से हो, यदि यह ईश्वरीय प्रेम हो जाए तो यह कमाल का फल दिखाई देगा। यदि यह प्रेम ईश्वरीय हो तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल अद्भुत रूप से ये आदमी प्रेम ईश्वर से करेगा, इतना अनन्य प्रेम करेगा, इतना भक्ति भाव वाला व्यक्ति होगा कि ईश्वर की प्राप्ति की संभावना बन जाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े भक्त होते हैं। लेकिन यदि ये संसार में लोगों से प्रेम करते हैं तो ये प्रेम में अंधे हो जाते हैं, अपना सर्वस्व उस पर लुटाने को तैयार हो जाते हैं। ये काफी अच्छे हृदय के भी होते हैं, किंतु सामने वाला व्यक्ति इन्हें कितना उसके प्रत्युत्तर में प्रेम देगा यह हाथ की बाकी रेखाओं पर निर्भर करेगा। यदि हृदय रेखा बिल्कुल दूसरे सिरे तक पहुंच जाए, बिल्कुल दूसरे सिरे तक पहुंच जाए, इसे हम अतिवादी कहते हैं। ये लोग अतिवादी होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ये एक पथ पर चल पड़ते हैं। अधिकतर वो लोग जो आत्मघाती हो सकते हैं, अपने उद्देश्य के लिए अपनी ये, अगर सिर्फ हृदय रेखा ही यहां पहुंची है दूसरे सिरे तक, तो ऐसे व्यक्ति अतिवादी तो होंगे लेकिन हिंसक नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति प्रेम बहुत करेंगे, बिल्कुल अंधविश्वासी भी हो सकते हैं, किंतु ऐसे लोग हानि कर नहीं होंगे। लेकिन यदि बुद्धि रेखा भी बिल्कुल सीधी हो जाए, एकदम पार कर जाए हथेली को, दूसरे सिरे तक पहुंच जाए, और हृदय रेखा भी दूसरे सिरे तक पहुंच जाए, ये भयंकर भयंकर बुरा है। क्योंकि ये व्यक्ति अतिवादी होते हैं, ये जिस पथ पर चल पड़ते हैं उस पथ के लिए मरने और मारने को तैयार रहते हैं। किसी भी स्थिति में दूसरे व्यक्ति को सुनने को तैयार नहीं है, ये अपने मत को 100% सही मानते हैं। ऐसे लोग आपको आतंकवादियों के हाथ में ऐसी रेखाएं संभवतः आपको दिखाई दे जाए, उन लोगों के हाथ में जो बुद्धि से तो बहुत तेज हैं, जीनियस लोग हैं, लेकिन साथ ही साथ अंधे हो गए हैं धर्म में या प्रेम में, और उसके कारण हिंसा पर भी उतारू हो सकते हैं। तो अब यदि हृदय रेखा थोड़ी छोटी हो और वो केवल शनि पर्वत तक ही पहुंचे, शनि पर्वत में प्रवेश कर जाए, यदि हृदय रेखा शनि पर्वत में प्रवेश कर जाए तो ऐसा व्यक्ति शरीर से प्रेम करता है, ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है, संबंधों में दिल से जुड़ा हुआ नहीं होता, बुद्धि से जुड़ता है, उसमें वासना अधिक होती है, केवल वासना के लिए ही शरीर से प्रेम करता है, व्यक्ति से प्रेम करने वाला ऐसा लोग नहीं होते। यदि ये हृदय रेखा शनि पर्वत में प्रवेश करे तो यदि इसकी एक शाखा और निकले और बृहस्पति की ओर जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत रोमांटिक होते हैं। ये शरीर और दिल मन दोनों से प्रेम करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति में ये जो बुराई है ये गुण में बदल गई है, क्योंकि बृहस्पति के गुण भी हैं इसमें और शनि के गुण भी हैं। लेकिन क्योंकि हृदय रेखा यदि बीच में पहुंचती है दोनों के, यहां जाकर यदि समाप्त होती है, तो ये हृदय रेखा अधिक अच्छी मानी गई है, क्योंकि इसमें शनि और बृहस्पति दोनों के गुण हैं। ऐसा व्यक्ति शारीरिक संबंध को जितना महत्व देता है उतना ही हृदय संबंध को भी महत्व देता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे प्रेम करते हैं।
उनके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि वो दोनों प्रकार से ही प्रेम में, प्रणय में इन्वॉल्व होते हैं, जुड़े रहते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति की हृदय रेखा सूर्य की ओर जाए, बस इतनी सी हो, तो एक तो इसे रोग का खतरा अधिक होता है, ऐसे व्यक्ति अधिक रोगी होने की संभावना होती है। दूसरी, सूर्य की ओर जाने पर ऐसा व्यक्ति उच्च महत्वाकांक्षा होता है लेकिन सफल कम हो पाता है। सूर्य की ओर जाने से उग्र स्वभाव का भी होता है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम का संबंध जो है, ऐसे व्यक्ति को प्रेम संबंध थोड़े से कम समझ रहती है। अब यदि बहुत छोटी ही हृदय रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति अधिक विश्वसनीय नहीं होते हैं, उनको भरोसा थोड़ा कम रहता है, आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते। कभी कभी अगर इसमें बुध पर्वत पर दोष है तो ऐसे व्यक्ति धोखेबाज हो सकते हैं। लेकिन छोटी हृदय रेखा बुरे स्वभाव का लक्षण नहीं है, छोटी हृदय रेखा रोग या आयु में कुछ कमी का लक्षण हो सकती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं।